हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो मैं आज नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूँ टाइपिंग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो रॉन्ग टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड पे अपनी उंगलियाँ सही से सेट नहीं करते हैं। तो उंगली कीबोर्ड पे कैसे वो सेट करेंगे, अच्छे से कैसे उंगली बैठाई जाती है, कैसे हम लोग टाइपिंग कीबोर्ड को अपने आप सेट करते हैं अपने बॉडी में, और प्लस जो है कीबोर्ड जो है सेटिंग कैसे होती है, वो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको बताता हूँ। उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हैं या जो भी देख रहे हैं वो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मैं नए वीडियो डालूँ तो उस पर जो है आपको नोटिफिकेशन चली जाए। तो आप ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए। चलिए मैं बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए ध्यान से इसमें, तो ये हमारा देखिए ये नॉर्मल यहाँ पे कीबोर्ड में दे रहा हूँ, ये कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में हम टाइपिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग की पूरी प्रक्रिया मैं बताने चल रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा हैंड है, ये आप देख रहे हैं, ये टेबल है, टेबल पे कीबोर्ड रखा हुआ है, और ये हमारे बीच की दूरी है। देखिए इतनी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए आपका कीबोर्ड। और ध्यान दीजिए, आप बैठने जब भी कंप्यूटर के सामने बैठो तो क्या करो, बिल्कुल कीबोर्ड अपने सीधे कर लीजिए, माउस अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि ये मेनटेन यही होता है, ठीक है भैया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उंगली को, कुछ बच्चे ऐसे टाइपिंग करते हैं, ऐसे करते हैं, या कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हाथ, एक दूसरा वाला हाथ इधर रख के रहते हैं और तीसरा वाला ऐसे चलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हाथ को अच्छे से सेट करेंगे, उंगली को अच्छे से बैठाएंगे, उसके बाद हम लोग टैपिंग करेंगे। और टैपिंग करते समय आपके जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आप देखिए कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में हम कैसे सेट करते हैं, देखिए ये आपको चार उंगली लेना है, ASDF, जो देखिए कीबोर्ड में जो बीच वाली पट्टी होती है इसको होम रू की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम रू की। इसमें क्या होता है कि हम उंगली को कैसे सेट करते हैं, जैसे ASDF, चार अक्षर इधर मैंने सेट किया ASDF। अब देखिए हम याद कर लेंगे, हमें याद होना चाहिए कि ये उंगली ए पे है, ये एस पे है, ये डी पे है, ये एफ पे है, फिर जी एच छोड़ देंगे। जी एच छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जे के एल सेमी कॉलम, यानी चार इधर सेट करेंगे। और देखिए ये हमारे दोनों जो अंगूठे हैं ये हमारे स्पेस बटन पे होना चाहिए, और ज़्यादातर स्पेस वाली जो बटन है वो आप इस अंगूठे से दबाएंगे, इस अंगूठे से नहीं। अब बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों को ऐसे चलाएंगे जैसे कि बिल्कुल कीबोर्ड पे हम हल्का दबाव डालेंगे, यानी कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे कि हम कीबोर्ड पे उंगली रख दें तो हमारी उंगली उठे ना, नॉर्मली कीबोर्ड पे उंगली रखना है। और जैसे कोई टॉपिक हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी मुझे टाइप करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सीधा टाइपिंग करने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो टाइपिंग होता है वो हमारा यहाँ से टाइपिंग होता है, ASDF JKL सेमी कॉलम। अब हम ऐसे उंगलियाँ रख लिया, और रखने के बाद हम लोग ये चीज़, ये कभी मेज पे रख के, यानी ऐसे आप रख के कभी ना टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है ना भैया। इसको आप उठाए रहिए या यहाँ पे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको क्या कीजिए, आप उठाए रहो, ऐसे टाइपिंग किया जाता है। अब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मली यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए ये देखो सबसे पहले जो टाइपिंग होती है, हम लोग टाइपिंग ऐसे करते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे फॉन्ट अपना चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा फॉन्ट जो है, मान लीजिए मैं इंग्लिश वाला ले लिया और फॉन्ट की साइज बहुत बड़ी है। तो जैसे कि मैंने उंगली यहाँ पे रखा, तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे टाइपिंग कैसे टाइपिंग करते हैं। जैसे ASDF, ये देखिए सबसे पहला रूल्स आपका यही है, आप ऐसे टाइपिंग करते रहो और उंगलियाँ चलनी चाहिए। उंगली जब चलेगी तभी आपकी जो टाइपिंग होगी वो डेवलप होगी, और जब भी टाइपिंग करो तो कीबोर्ड से आवाज़ आनी चाहिए तेज से, ठीक है भैया। जब तेज से आवाज़ आएगा तभी लगेगा कि हाँ हमारी टाइपिंग मजबूती हो रही है, और उंगली दर्द करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दर्द करने दो। जब कोई चीज़ कठिनाइयाँ होती हैं तभी हम उसमें सफल होते हैं। देखिए नॉर्मली अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ASDF JKL सेमी कॉलम टाइप किया, फिर स्पेस किया, मैंने कुछ भी, ये स्टार्टिंग यानी होम रू की होता है टाइपिंग का, सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, उसके बाद तो पूरा कीबोर्ड पड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपकी लाइन ख़त्म हो जाए तो लाइन ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे कैसे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाना, ये वाली उंगली देख रहे हैं ना, ये वाली उंगली आपको ऐसे बढ़ाना है इंटर की तरफ। जब इंटर की तरफ बढ़ेगा तो फिर हम लोग दूसरी लाइन से हमारी लाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है रूल टाइपिंग का। और टाइपिंग करते समय एक बात और ध्यान दीजिएगा, कहीं अलग आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, और ना तो आप कीबोर्ड देखिए, सीधा आपको क्या करना है, जहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो देखिए, प्लस
जहां से टाइप कर रहे हैं वो वर्ड देखिए, आप कौन सा वर्ड टाइप कर रहे हैं। देखिए अगर आपकी टाइपिंग डेवलप करना है तो जैसे एंड लिखा है तो एंड की आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए कि एंड की स्पेलिंग क्या है, क्योंकि अगर स्पेलिंग नहीं पता है तो आपकी टाइपिंग बहुत ही बिग जाएगी। तो वैसे तो हमें लगता है अक्सर बच्चों को पता चल गया होगा टाइपिंग कैसे किया जाता है, उंगली कैसे सेट करेंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या किए, ASDF JKL सेमी कॉलम, मैंने बताया ASDF JKL सेमी कॉलम ये टाइप करेंगे। इसको होम रूक ये बोलते हैं, सबसे जो टाइपिंग बेसिक स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लिए होंगे, तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड नाइट।